हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे लिट्टी और चोखा। ये देखिए, ये हमने बड़े साइज के आलू लिए हैं। इसको अच्छे से हमने धुल लिया है। अब इसको हम कुकर में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटा लिट्टी चोखा बनाएंगे। ये हमने बड़े साइज के आलू ले लिए। अब इसमें हम डालेंगे एक गिलास से भी थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे हम। ढक्कन बंद कर देंगे। तो गैस पे हमने रख दिया। बड़े साइज के आलू हैं तो 3 सीटी लगाने तक आप इसको पकाएं। इधर हमने 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिया। धनिया और लहसुन मिर्चा ले लिया। 5 टमाटर हमने पके हुए लिए हैं, लाल लाल। तो इसकी चटनी चोखा बहुत ही टेस्टी बनेगा। इनके अब हम चटनी को पीस लेंगे एक मिक्सी में। हम धनिया और लहसुन मिर्चा ले लेंगे। धनिया की ही चटनी इसमें आप डालें चोखा में, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, आलू पक चुका है। ये बड़े साइज़ के आलू थे तो हमने 3 सीटी आलू में लगाया। अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो 1 सीटी में ही वो पक जाता है। इधर हमने 3 सीटी लगाया है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने सारे आलू को एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, मैंने सभी आलू को अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम मैशर से मैश कर देंगे। ये सभी आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। बनाएंगे लिट्टी चोखा। एक इधर हमने टमाटर लिए हैं। अब इसको हम भूनेंगे गैस पर। इसके इसको हमने गैस पर रख दिया है भूनने के लिए। हमने चाकू में लगाकर इसको भून रहे हैं। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप उसको गैस पर रख के फिर टमाटर उसके ऊपर रख कर आप भून सकते हैं, क्योंकि सभी टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। तब अच्छे से आपको भूनना है। पके हुए ही टमाटर लेने हैं आपको। ईद के सारे टमाटर हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसका छिलका हम पानी लिया है जग में। अब इसका छिलका हम उतार लेंगे। ये हमने छिलके अच्छे से उतार लिए हैं सभी टमाटर के। अब इसको हमने आलू में रख दिया है। अब इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं या फिर मैशर से भी कर सकते हैं। ये पके हुए टमाटर है तो ये जल्दी से मैश हो जाता है। अगर आपके पास बैंगन है तो आप बैंगन को भी, 1-2 बैंगन भी भून लीजिए, आप डाल दीजिए। टमाटर था तो हम केवल टमाटर का ही बना रहे हैं। अच्छे से मैश कर लें सभी चीज़ों को। अब इसमें हरी चटनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं या 2.5। हम मीडियम तीखा बना रहे हैं, ज़्यादा तीखा नहीं, तो हमने 1.5 चम्मच डाला है हरी चटनी। बहुत ही चटपटा बनेगा खट्टा खट्टा चोखा। और लिट्टी चोखा का चोखा ज़्यादा सूखा नहीं होता है, हल्का गीला ही होता है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए, हमने सारी लिट्टी अच्छे से तैयार कर लिए गोल गोल बनाकर। देखिए, अब इसको हम अप्पे पैन पर सेकेंगे। अप्पे पैन पर देखिए हमने रख दिया। गोल गोल लिट्टी, ये देखिए सारी लिट्टी हमने अप्पे पैन पे रख दी है। इसको धीमी आंच में ही आपको पकाना है। इधर हमने ये चोखा रेडी कर लिया है। देखिए एकदम चटपटा चोखा। अगर आपको इसमें प्याज डालना है तो आप प्याज भी डाल सकते हैं या फिर चोखे में मिला सकते हैं आप।
इधर देखिए, इधर लिट्टी भी हम चेक कर लेंगे। इसको धीमी आँच में ही आपको अच्छे से पकाना है। तेज़ आँच आप कर देंगे तो ये अंदर अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा ही रह जाएगा। ये देखिए पीछे का हल्का सा सिक चुका है, तो हम पलट रहे हैं सारा। हमने धीमी आँच पर ही इसको पका रहे हैं। सभी लिट्टी को अच्छे से हम पलट लेंगे। टोटल 12 लिट्टी हैं। अब देखिए इसको हमने धीमी आंच में अच्छे से सेक लिया है, थोड़ी देर और सेकना है। पलट पलट कर इसको सेकते रहें। इसके जब लिट्टी ऐसे फटने लगी तब समझिए लिट्टी अच्छे से अंदर तक पूरा पक चुकी है। अगर लिट्टी नहीं फटी तो समझिए वो नहीं अच्छे से पका है। ऐसे लिट्टी फट जाती है तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है खाने में। ये देखिए सभी लिट्टी अच्छे से फट रही है, वो भी धीमी आंच में अगर आप सेकेंगे तो ये अच्छे से ऐसे ही पक जाएगी। इसके सभी लिट्टी हमारी अच्छे से सेक चुकी हैं। ये देखिए अच्छे से एकदम। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनने सभी लिट्टी को एक प्लेट में निकाल लिया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी टेस्टी लिट्टी। अगर आपको सत्तू की लिट्टी का पसंद है तो उसका वीडियो भी हमने डाला है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये हमने सादा लिट्टी बनाया है। अब हम इसको प्लेट में एक निकालेंगे, चोखा निकालेंगे अब हम, या फिर आप इसी प्लेट में भी अच्छे से निकाल कर खा सकते हैं। देखिए प्याज, हम आपको भी एक लिट्टी तोड़ कर दिखाएंगे। इसके सभी को हमने अच्छे से, ये देखिए हम एक लिट्टी आपको अच्छे से तोड़ कर दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा अंदर तक ये अच्छे से पक चुका है। अब लिट्टी के ऊपर हम ये एक चम्मच चोखा लगा देंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। ये देखिए, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हम आपके लिए और भी रेसिपी लाते रहेंगे।